की फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरी, जिसके बाद कंगना ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कंगना इन दिनों अपनी फ्लॉप फिल्म धाकड़ के सदमे से बाहर निकलने के लिए अपनी नेक्स्ट फिल्म की तैयारी में जुट गई हैं। देखिए, तैयारी तो अब कंगना को करनी पड़ेगी और वो भी दमदार, क्योंकि बॉलीवुड सेलेब्स को निशाने पे लेकर कंगना अपनी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी आसानी से हिट नहीं करवा सकती। और इस बार अपने ऊपर फ्लॉप फिल्मों का ठप्पा लगा चुकी कंगना को दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कंगना निकल चुकी है अपनी अगली फिल्म के लोकेशन की राखी करने और इस फिल्म के जरिए लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए, जिसकी तस्वीर कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पहली तस्वीर में कंगना ने लिखा, राखी का पहला दिन, मेरे साथ कोई गड़बड़ मत करो, अभी मैं आराम वाले मूड में हूँ। वहीं दूसरी तस्वीर शेयर कर कंगना ने लिखा कि डायरेक्टर रोल में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। इस तस्वीर में कंगना रनौत सफेद कलर के सलवार कुर्ते और हरे रंग का दुपट्टा लिए काफी फ्रेश और एनर्जेटिक नजर आ रही है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी उनकी करियर की दूसरी डायरेक्टरेट मूवी होने वाली है। इससे पहले कंगना ने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब कंगना के डायरेक्शन में बनने जा रही दूसरी फिल्म से भी लोगों को इसी तरह की उम्मीद है। साथ ही कंगना रनौत की लिस्ट में इमरजेंसी के अलावा तेजस और पायलट जैसी फिल्म भी है, जिसमें कंगना पायलट के किरदार में नजर आएंगी। साथ ही इन दोनों फिल्मों के अलावा कंगना को सीता द इनकार्नेशन के लिए भी चुना गया है, जिसमें कंगना सीता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।